हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम डिस्कस करेंगे येस बैंक के बारे में। जैसा आपको पता है, ये बैंकिंग सेक्टर से बिलोंग करता है। येस बैंक काफ़ी बुरे रीजंस की वजह से ये फेमस रहा है, बट अभी कुछ दिन से ये कुछ अच्छे रीजंस की वजह से फेमस हुआ है। 12-12.5 रुपये का शेयर 20 रुपये के आसपास पहुंच गया है, तो 50% से भी ऊपर का रिटर्न इसने कुछ दिनों में ही बना के दिया है। तो कुछ अच्छे रीजंस की वजह से जिनका पैसा 12-12.5 रुपये पर लगा था 20 रुपये के आसपास पहुंच गया है, तो अच्छे रीजंस हैं जिसकी वजह से उनको शेयर अच्छा लग रहा है। जो पहले के फंसे हुए हैं, जो 100-150 पे, 60 रुपये पे, 30 रुपये पे, उनको ये शेयर बुरा भी लग रहा है। तो अपने अपने रीजंस हैं सभी के, क्योंकि शेयर को किस लेवल पर आप खरीदते हैं वो मैटर करता है, और शेयर उसके हिसाब से ही आपको अच्छा या बुरा लगता है। तो येस बैंक जैसा आप देख रहे हैं, पर्सनल बैंकिंग में है, बिजनेस बैंकिंग में है, कॉर्पोरेट लोन देता है, डिजिटल बैंकिंग में है, पूरा एक फुल फ्लैश लार्ज कैप बैंक है ये। क्रेडिट कार्ड्स में डील करता है ये, जैसा आपको पता है सब कुछ। इसके अलावा जो बैंक है ये, आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस और वेल्थ मैनेजमेंट में भी काम करता है। ये मैंने इसकी एक वेबसाइट खोली है वेल्थ मैनेजमेंट की। ये म्यूचुअल फंड ऑनलाइन, आप देखेंगे म्यूचुअल फंड ऑनलाइन, वेल्थ मैनेजमेंट, तो ये उसके अंदर भी डील करता है। और इनका ये जो वर्टिकल है बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। सिर्फ जो प्रेशर है बैंकिंग पर है, जो इनके कॉर्पोरेट लोन्स हैं उनके ऊपर पूरी तरह से प्रेशर है, बट ये वेल्थ मैनेजमेंट वाला सेक्टर जो है, म्यूचुअल फंड ऑनलाइन वाला जो है, ये अच्छा काम कर रहा है अभी भी वर्टिकल। तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये इसे, जैसे बाकी कंपनीज के जो वर्टिकल्स हैं अलग अलग हुए हैं, SBI का देखा हुआ, SBI लाइफ इंश्योरेंस अलग हुआ है, सेम वे में HDFC का देखेंगे तो HDFC लाइफ इंश्योरेंस कम हुआ है, उनका जो ट्रेडिंग बिजनेस है वो अलग हुआ है। यहाँ आप देखेंगे ये लाइफ इंश्योरेंस की साइट है इनकी, प्रोटेक्ट फॉर योर लाइफ, येस बैंक का ऊपर लोगो देखिए। इनकी जो पार्टनरशिप्स हैं वो मैक्स लाइफ के साथ है, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ है, तो ये वर्टिकल भी इनका बहुत अच्छा काम कर रहा है और ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। तो यहाँ से इनके रेवेन्यूज अच्छे आ रहे हैं और अच्छे प्रॉफिट्स ये बना रहे हैं। अगर येस बैंक का आप देखेंगे जो शेयर पिछले कुछ दिनों में चला है, उसके रीजंस क्या हैं, तो रीजंस एक निकल के ये आता है कि येस बैंक शेयर प्राइस जंप 8% आफ्टर वर्क रेटिंग अपग्रेड रेटिंग। इनकी जो रेटिंग्स हैं वो अपग्रेड की है ब्रिक वर्क रेटिंग ने। अब यहाँ देखेंगे ब्रिक वर्क रेटिंग अपग्रेड रेटिंग ऑफ टायर 1 सबॉर्डिनेटेड बॉन्ड बेस 2 टू BBB+ स्टेबल। इस रेटिंग को अपग्रेड करने से क्या बेनिफिट्स होते हैं इनको, जो आगे लोन लेने के लिए जो पैसा लेना होता है तो उसको लेने के लिए काफ़ी इजी हो जाते हैं। मतलब कि जैसे आगे लोन देते हैं और उसके लिए भी इनके पास पैसा होना चाहिए, और पैसा अकोमोलेट करना इनको मतलब कि बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल जाता है अगर इनकी रेटिंग अच्छी है। ये बॉन्ड्स के थ्रू भी पैसा बना सकते हैं, बट इनकी रेटिंग्स अच्छी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रेडिट रेटिंग ने जो है इनकी रेटिंग स्टेबल की है, अपग्रेड की है। यहाँ आप क्लियर देख सकते हैं, स्टेबल की है और अपग्रेड की है। यहाँ आप देख सकते हैं येस बैंक अदानी इंटरप्राइजेज में बिकम लार्ज कैप स्टॉक सून, फ्यूचर रिटेल PBR कुड बिकम स्मॉल कैप। येस बैंक का नाम इसमें भी आ रहा है कि ये लार्ज कैप जो है स्टॉक बन सकता है आने वाले टाइम में। ये 8 दिसंबर के ही मैं आपको दोनों ही न्यूज बता रहा हूँ। अब हम डिस्कस करते हैं शेयर प्राइस की। शेयर प्राइस जो है आज की डेट में जो चल रहा है, थोड़ा सा आज प्रेशर में है, 3% के आसपास डाउन है। तो आज 20.80 रुपये का इसने 83 पैसे का इसने हाई बनाया था, उसके बाद 19.80 रुपये पे ये इस टाइम ट्रेड कर रहा है, और जो लो बनाया है 19.45 रुपये का इसने लो बनाया और 19.80 पे ये ट्रेड कर रहा है। अब डेली बेस पे देखेंगे तो टेक्निकल रेटिंग इसकी बुलिश है, वीकली बेस पे देखेंगे न्यूट्रल है, और मंथली बेस पे देखेंगे तो अभी भी ये बीरिश है। मार्केट कैप इसका 50,310 करोड़ के आसपास का है, मिड कैप जो बैंक है ये। और आप देखेंगे बाकी जो डिलीवरीज हैं इसकी, जो कल गई थी 37% के आसपास थी, 3 डेज की एवरेज निकालें तो 38% की है, 5 डेज की निकालें 41% के आसपास की, और 8 डेज की निकालेंगे तो 51.87% की है। और 8 डेज की जो एवरेज है 51.87, जो पिछले कुछ दिनों में आप देखेंगे करोड़ों में जो है डिलीवरीज हुई है इसकी, 80 करोड़ का जो डिलीवरी परसेंटेज है, आप NSE साइट चेक कर सकते हैं, उसके ऊपर डिलीवरी जो गई है बल्क में डिलीवरीज गई हैं इसकी। तो डिलीवरी जो जा रही है बहुत अच्छी जा रही है। इसमें सिर्फ पहले जो होती है ट्रेडिंग होती थी, डे ट्रेडिंग, इंटर डे ट्रेडिंग के लिए ये
लोग प्रेफर करते थे इसे, 10-10 पैसे 15-15 पैसे पे ऊपर नीचे ये होता था, तो अपना इंटरडे जो गेम थी वो चलाते थे। बट अब डिलीवरी इसके अंदर अच्छी आ रही है और लोग डिलीवरी भी ले रहे हैं इसके अंदर। अगर जेस बैंक की रेशोज को देखें तो रेशोज कुछ अभी इम्प्रेसिव नहीं लगेंगे, क्योंकि ये टर्न अराउंड थ्योरी है और कुछ टाइम से ये रिजल्ट्स अच्छे दे रहा है, अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर शेयर प्राइस देखेंगे तो 200 DMA से अभी नीचे काम कर रहा है, ऑलमोस्ट उसको टच कर रहा है। अगर ये इसको क्रॉस करता है तो इसके अंदर एक अच्छा बाउंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम बहुत, जैसे मैंने बताया 71% की डिलीवरी यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, कितने करोड़ों में ये वॉल्यूम्स हैं और 71% की यहाँ डिलीवरी गई है। नेक्स्ट डे भी देखेंगे 47% की डिलीवरी है, 40% की डिलीवरी है, तो इस टाइप से जो डिलीवरी गई हैं 51%, 35% अच्छी डिलीवरी जिसकी उठी हैं, और ये वॉल्यूम के साथ ऊपर जब आया है, तो अगर ये 200 DMA को क्रॉस करता है तो इसके टारगेट्स काफ़ी आगे के बनते हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर में जो मेन चीज़ इसकी देखने वाली है, एक तो ये कंपनी जो है, बैंक जो है प्रॉफिट में आया है। अब देखें 3 क्वार्टर से इसने प्रॉफिट देने स्टार्ट किए, 18,000 करोड़ का जो इसने लॉस दिया था यहाँ पर, तो उसके बाद से 2634 और फिर 120 करोड़ के आसपास ये प्रॉफिट में चल रहा है। अभी 1-2 क्वार्टर इसे और लगेंगे स्टेबल होने में, जैसे जैसे इसके रिजल्ट्स आएंगे, लोगों का विश्वास बनेगा, तो ये धीरे धीरे प्रॉफिट में आएगा। NPA मेन है इसके, जो आपको देखने चाहिए किसी भी बैंक के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं, नेट NPA जो है आप देखेंगे लगातार डाउन आ रहा है, 5.97 जो कि दिसंबर 2019 में 5.97 था, 5.03 हुआ, 4.96 हुआ, देन 4.71% हुआ। नेट NPA अगर किसी भी बैंक के डाउन आ रहे हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट डाउन आ रहे हैं, मतलब उसकी एसेट क्वालिटी जो है इम्प्रूव हो रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। ग्रोस NPA आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए 17.30 से रिड्यूस होकर 16.90 के हुए हैं, तो एसेट क्वालिटी इसकी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है। तो जैसे ही एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी ये फिर ग्रो करना स्टार्ट करेगा। अगर ईयर ऑन ईयर भी आपको रिजल्ट्स देखेंगे तो लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 20, तो उसमें 16,000 करोड़ का इसने लॉस दिया है, पर इस बार उम्मीद है, जैसे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे पिछले 2 क्वार्टर से जो रिजल्ट्स हैं, जून का क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर, इन दोनों में ही आपको प्रॉफिट देखने को मिले हैं, तो 34 करोड़ का और 120 करोड़ का प्रॉफिट है। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि ये जो लॉस दिया था इसने 20 में, तो 21 में जो है लॉस नहीं आएगा। तो जैसे ही ये प्रॉफिट में आना स्टार्ट करेगा बैंक, तो धीरे धीरे राइज भी करेगा। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो प्रमोटर्स के पास 0% इसकी होल्डिंग है, बट FII को अगर हम देखते हैं तो FII आप देखेंगे जो पहले इनकी होल्डिंग थी FII की 1.66% थी, जो कि इंक्रीज होकर 11.16% हो गई है। आप देखिए जून क्वार्टर से सितंबर क्वार्टर में कितने शेयर्स अकोमुलेट हुए हैं, 1.66 से इंक्रीज होकर 11.16% हुई है। DII की होल्डिंग आप देखिए, मैं दिखाता हूँ किन किन हाथों में शेयर है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 30% की होल्डिंग है इनके पास, लाइफ इंश्योरेंस के पास 1.4% की होल्डिंग है, ICICI बैंक के पास 3.9% की होल्डिंग है, एक्सिस बैंक के पास 2.39% की होल्डिंग है। इसके बाद आप देखेंगे बंधन बैंक के पास है, LIC पेंशन फंड के पास है, और IDFC फर्स्ट बैंक के पास भी 1.15 है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस के पास जो है 1.37% का होल्डिंग है। तो आप देखेंगे सभी बैंकों ने इसके अंदर होल्डिंग बनाई हुई है, तो कुछ तो फंडामेंटल उनको नज़र आ रहे हैं जिसके बेस पे ये पैसा लगाया गया है। तो अभी हम इसे चार्ट पे भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ट पे ये किस टाइप से नज़र आता है। चार्ट पे आप देखेंगे तो ये जो रेंज थी 30 का लेवल, यहाँ से ये ब्रीच हुआ और डाउन आना स्टार्ट हुआ। ये डाउन इसलिए आया था क्योंकि जो इसका OFS आया था वो 11-12 रुपये के आसपास आया था, तब ये ट्रेड करता था 26 से लेकर 30 रुपये के बीच में, बट इसकी जो फेयर वैल्यू निकाली गई वो उस टाइम के हिसाब से OFS पे जो थे 11-12 रुपये के आसपास का जो आया, उसकी वजह से डाउन आया। यहाँ पर ये डाउन आने के बाद इसने एक बेस बनाया, आप देखेंगे 11.5-12 रुपये के आसपास का इसने बेस बनाया, यहाँ से ये ऊपर भी गया। आप देखिए यहाँ से ये स्टॉक ऊपर गया दोबारा 17 रुपये के आसपास, वहाँ से फिर करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद ये फिर उसी लेवल पे फिर आया 12 रुपये के आसपास, 11 नहीं बनाया यहाँ पे, 11 रुपये 10 पैसे का है, तो वहाँ से 17 रुपये गया, 17 रुपये से फिर ये डाउन आया 12 रुपये के आसपास, 12 रुपये डाउन आने के बाद ये फिर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, कुछ दिन यहाँ पे कंसोलिडेट किया इसने, उसके बाद सर्किट टू सर्किट ऊपर चला, फिर इसने यहाँ पर 14 और 15 रुपये के बीच में
कुछ दिन निकाले हैं 14 और 15 के बीच में, और फिर जैसे ही न्यूज़ अच्छी आनी स्टार्ट हुई तो ये इसका जो रेजिस्टेंस है 17 रुपये का, तो इसने इसे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, ये देखिए अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक ग्रीन कैंडल बनी है, सेकंड ग्रीन कैंडल, थर्ड ग्रीन कैंडल, 10-10% की जो ग्रीन कैंडल्स ये बनी है, तो जो 17 रुपये का एक रेजिस्टेंस था वो इसने अच्छे उसके साथ वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक किया है। अब जो स्टोरी बनती है ओवरऑल 17 रुपये का, तो स्टॉप लॉस इसके अंदर रखना ही है। अगर ये 17 रुपये का तोड़ता है तो दोबारा ये 14 रुपये 15 रुपये के बीच में मूव करेगा, अगर ये 17 रुपये को तोड़ता है तो 14-15 रुपये के आसपास ये आ सकता है। तो 17 आपको जो इसका बाय करना है, इसे कहीं ना कहीं आपको अगर ये 19 रुपये के आसपास या 19 से नीचे कहीं पर भी मिलता है, 17 रुपये से ऊपर कहीं भी आपको मिलता है, इसे अकोमोडेट कर सकते हैं। 17 रुपये से अगर ये नीचे जाता है ये 14-15 रुपये के बीच में फिर जा सकता है। अगर ये यहाँ पे कुछ दिन निकाल लेता है 19 और 20 के बीच में मूव करता है ऊपर और कुछ दिन निकाल लेता है यहाँ पर, तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट जो बनता है वो अगेन 30 के आसपास ये रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ से भी 50% ये ऊपर जा सकता है। और एक तो क्वार्टर के भी रिजल्ट अच्छे आते हैं तो ये जो है 30 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करेगा, 30-31 के आसपास, और इजिली ये यहाँ पे जा सकता है। टाइम कितना लेगा, 3 महीने, 6 महीने या 9 महीने ये नहीं कह सकते, बट जैसे जैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, ग्रोथ अच्छी आएगी, न्यूज अच्छी आएगी, तो और एक कंसोलिडेशन मोड में अगर ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट बना लेता है 17 से ऊपर का और उसे ब्रेक नहीं करता है तो ये इससे नीचे नहीं जाएगा। और आप देखेंगे नीचे का जो है 1-2 रुपये का आपका नीचे का डाउनसाइड बनता है, बट ऊपर के आपके 10 रुपये बनते हैं 10 से 12 नियर टर्म में। अगर ये 30 को ब्रेक करता है किसी अच्छे न्यूज पे, रिजल्ट्स बहुत अच्छे अगर देता है, क्योंकि इसके बाकी वर्टिकल्स अच्छा काम कर रहे हैं, अगर रिजल्ट्स इसके अच्छे आते हैं तो ये 30 को ब्रेक करता है तो आप देखेंगे कि 40 और 45 के बीच में भी जा सकता है, मतलब यहाँ से डबल होने के चांसेस ज़्यादा हैं इसके आने वाले 2 या 3 सालों में, इजीली डबल पैसा दे सकता है। डाउनसाइड रिस्क इसके अंदर इस टाइम कम है क्योंकि 17 को ये क्रॉस कर चुका है, ये पहले 17 इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ था, 17 को इसने हैवी वॉल्यूम के साथ क्रॉस किया है और अब 17 इसका सपोर्ट जोन बना हुआ है, 17 को इसे ब्रीच नहीं करना है। ऊपर के टारगेट्स मैंने आपको बताए पहले 30 का अगर क्रॉस करता है तो 40-42 के आसपास ये इजीली जा सकता है। आप इसे वॉच लिस्ट में लगाइए, धीरे धीरे अकोमोडेट कीजिए, जैसे जैसे डाउन आता है, जैसे आज थोड़ा प्रेशर में है थोड़े से आज ले सकते हैं, कल परसों में अगर कोई मार्केट करेक्ट करती है, बैंक इंडेक्स डाउन होता है तो आप वहाँ पर भी ले सकते हैं, तो धीरे धीरे आप इसे अकोमोडेट कर सकते हैं अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी होल्डिंग कैपेसिटी के हिसाब से, अपना जो इन्वेस्टमेंट बिहेवियर है उसके हिसाब से। थैंक यू, धन्यवाद।